मेरा नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंस ये है बारामती, इसीलिए इंटरेस्टिंग है कि क्योंकि यहाँ पे शरद पवार जो नेशनल कांग्रेस पार्टी का एस्टेब्लिश करने वाले शरद पवार जी, उनका ग्रैंडसन योगेंद्र पवार कंटेस्ट कर रहे हैं, वो भी अगेनेस्ट एनसीपी के फैक्शनिस्ट अजीत पवार जी के साथ। सो इसीलिए बारामती बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इस पर ध्यान दीजिए एग्जिट पोल में और रिजल्ट में। ये जनरल कैटेगरी का है, एससी वोटर्स 51,000 है, यानी 14%, एसटी 0.92%, मुस्लिम वोटर्स 4.4, रूरल वोटर्स 82%, अर्बन वोटर्स 17%, टोटल 3,41,000 वोटर्स है। पोलिंग बूथ 366 है, लास्ट टाइम यहाँ पे पोलिंग परसेंटेज 66 हुआ है, लास्ट टाइम अजीत अंताराव पवार ने जीता है। इस बार अजीत पवार वर्सेस योगेंद्र पवार का बीच में लड़ाई हो रही है, और इस बार शरद पवार ने कहा वो आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शंस में वो रिटायरमेंट लेंगे, ऐसा बोल रहा है। और रिटायरमेंट नहीं लेंगे तो भी क्या जनता वोट देंगे, नहीं देगी, क्योंकि शरद पवार जी का आपका टाइम हो गया है, आप बेटर है, आप रिटायर होइए और यंग जनरेशन को बोलते हैं, यंग जनरेशन बोले तो इन्हीं के फैमिली से आते हैं, दूसरा कोई यंग जनरेशन पॉलिटिक्स में आने का मौका ही नहीं देते हैं। ये नोटिस कीजिए, सोच समझ कर वोट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।